हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में मैं आप लोगों को बहुत सारे उपाय बताई हूँ, अपने सुहाग के लिए, बच्चों के लिए भी, धन के वृद्धि के लिए भी, अपने शरीर के कष्टों को दूर करने के लिए भी। मेरे चैनल पे मेरी सारी वीडियो अवेलेबल है, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी अपने घर की उन्नति, तरक्की, धन की वृद्धि के लिए हम कौन सा महा उपाय करें। अपने घर की तरक्की सभी चाहते हैं, कोई महिलाएं नहीं है जो अपने पति की उन्नति नहीं चाहती, घर की तरक्की नहीं चाहती, घर में वंश वृद्धि नहीं चाहती हैं, ये सभी चाहते हैं। फ्रेंड्स, पूजा पाठ तो हम सभी करते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे सनातन धर्म में कोई ऐसा घर परिवार होगा जो सावन मास में पूजा पाठ भोले बाबा का नहीं करता होगा। जानते हैं आप लोग, सब चीज के लिए एक उपाय बताया हुआ है। आप खुद ही सोचिए ना, सावन में हम भोले बाबा की ही ज्यादा पूजा करते हैं। हर चीज के कामना के लिए अलग अलग महा उपाय बताया गया है। हम सभी अपने पूजा पाठ से भोले बाबा को प्रसन्न करेंगे और उसके बदले बाबा हमारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इतनी भी मैं उपाय आप लोग के साथ शेयर करती हूँ, ये सब शिव पुराण में, शिव जी की हर किताब में दी हुई है और हमारे घर में अजमाई हुई भी बातें हैं। कुछ उपाय तो मैं खुद ही अजमाई हूँ, तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। आप इस बात से एकदम निश्चिंत रहिएगा कि मैं कुछ गलत जानकारी आपको कभी भी नहीं दूंगी। आप सभी बहनें लगातार कमेंट कर रही हैं। ज्यादा शिल्पी जी का कमेंट आया है, क्या दीदी आप ये जो उपाय बताती हैं आप खुद की हैं, खुद आजमाई हैं, हमें डर लगता है करने में। नहीं, आप लोग बेहिचक कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। जो भी जानकारी मैं आप लोग को देती हूँ, कुछ उपाय मैं की हूँ, ऐसा नहीं कि जितना उपाय बताती हूँ मैं सारे की हूँ, कुछ उपाय इसमें से मैं की हूँ, कुछ उपाय आप लोग को बताती हूँ जो हमारे बड़े बुजुर्ग ने बताए हैं, हमारे घर में हुआ है, तभी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। अगर पुण्य नहीं हुआ हो वो उपाय मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं करती हूँ। अपने बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा, आपकी दादी नानी भी इन बातों को जरूर जानती होंगी, वो लोग पहले यही सब उपाय अपनाती थी। नानी के जमाने में मोबाइल नहीं था, यूट्यूब नहीं था देखने के लिए हमारा वीडियो, तो ऐसे ही उपाय आजमाती थी जो ग्रंथों में दिया हुआ था। जो भी बहने मेरी कमेंट कर रही हैं, आप लोग निश्चिंत होकर ये उपाय कीजिए। कोई दोष, कोई भेदभाव मत मानिए। भगवान की पूजा मन की शुद्धता से होती है। मन में अगर दोष रख के करेंगे हम, जो कर रहे हैं इसका गलत परिणाम हो जाए तो कभी पुण्य नहीं होगा। कोई भी पूजा पाठ हम करेंगे, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमें खराब क्यों मिलेगा, कभी खराब नहीं मिलेगा। तो आप लोग निसंकोच ये उपाय कीजिए। आप चलिए जानते हैं कि इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ एक उपाय शेयर कर रही हूँ, जो कि बताई मैं, आपके घर की निर्धनता दूर करेगी, तरक्की, उन्नति, आपकी कामयाबी के लिए, या बहुत दिन से नौकरी की तैयारी कर रहे हो, आपकी नौकरी नहीं हो रही हो, तो नौकरी भी तो हमारे घर के धन से जुड़ा हुआ ही है, तो आप ये उपाय कर सकती हैं। ये उपाय आपको शिवरात्रि के दिन करनी है या सावन के किसी भी सोमवार को आप ये उपाय कर सकती हैं। तो चलिए वीडियो में जानते हैं कौन से उपाय हमें करनी है। इससे पहले दोस्तों, आप लोग को मेरी बातें, मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस कर ले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब हम अपनी उपाय जानते हैं। सावन का जो महीना होता है हमारा, अन्न और जल का महीना होता है। इस महीने वर्षा भी ज्यादा होती है तो जल का स्रोत भी ज्यादा होता है, और अन्न इस महीने खेती भी की जाती है तो ये अन्न का महीना होता है। पूर्ण रूप से सावन का महीना अन्न और जल का महीना होता है। इस महीने में अन्न और जल से महा उपाय भोले बाबा का अभिषेक किया जाता है, जिससे भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। अभिषेक करने से बाबा भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं, बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो ये महा उपाय आप लोग कीजिए, घर की गरीबी को दूर करने के लिए ये बहुत सिद्ध उपाय है, बहुत ही सिद्ध उपाय है। इसमें आपको करना क्या है, क्या क्या सामग्री चाहिए आपको ये अभिषेक करने के लिए, आप अच्छे से जान लीजिएगा, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर ये उपाय कीजिएगा। आप लोग को गेहूं लेनी है, अपने बजट के अनुसार देख सकते हैं, 5 मुट्ठे से भी अभिषेक होता है और 5 क्विंटल से भी होता है।
तो आपकी क्या बजट है उसके अनुसार आप कीजिएगा। गेहूं लेनी है आप 5 मुट्ठा लें, 1.25 किलो लें, 1.25 किलो लें, 1.25 किलो लें, लेकिन 1.25 ही लीजिएगा। कभी भी 1.25 ही लिया जाता है पूजा पाठ में। आपको 1.25 किलो गेहूं लेना है। इस गेहूं से आपको शंकर भगवान का अभिषेक करना है, तो इसके लिए आपको पीली जो रोड़ी आती है चंदन, लाल या पीली, आप चंदन ले लीजिएगा, 1.25 किलो गेहूं ले लीजिएगा, लौंग, इलायची, भांग, धतूर भी हम भोले बाबा के पूजा में लगाते हैं वो सब कुछ ले लीजिएगा। महा उपाय को करने के लिए आप ये सारी सामग्री ले लीजिएगा। शिवरात्रि के दिन या किसी सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठिएगा, हाथ धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र पहन के अभिषेक करने से 2 घंटे पहले गेहूं को भिंगो के रख दीजिएगा पानी में, जिससे वो फूल जाए। अभिषेक करते समय उसको छान लेना है, छान कर उसमें लौंग, इलायची, रोड़ी, भांग, धतूर, जो भी अभिषेक हम करते हैं, पूजा करते हैं शंकर भगवान का, उस सब मिक्स करना है। साथ में आपको गंगा जल मिक्स कर देना है। बहुत सी बहनें प्रश्न भी करती हैं कि दीदी हम घर में कर सकते हैं क्या? नहीं, जो भी महा उपाय होता है वो मंदिर में ही किया जाता है। आप सभी जानते होंगे कि जो भी मंदिर की मूर्तियां होती है वो प्राण प्रतिष्ठित होती है, तो हमें प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के सामने ही ये सब उपाय करने होती है। जो प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है, हम घर में तो फोटो रखकर, मूर्ति रखकर पूजा करते हैं, या बहुत सारे लोग छोटा शिवलिंग भी रखते हैं, लेकिन आप संपूर्ण विधिवत, आप पंडित से उसका प्राण प्रतिष्ठित नहीं करवाए हैं, सिर्फ मानकर पूजा करते हैं, इसलिए आप ये महा उपाय मंदिर में कीजिए। हर पूजा पाठ घर में नहीं होता है, आप घर में अपने पूजा पाठ कीजिए, आरती, भोग, हवन सब कुछ कीजिए, लेकिन जो महा उपाय वाली विधि है ये जाके आप मंदिर में कीजिए। सारी सामग्री ये जुटाकर मंदिर लेकर जाएंगे, आराम से पति पत्नी बैठकर, अगर आपके पति आपके साथ बैठकर पूजा करते हो तो बहुत अच्छा है। अगर किसी के पति साथ में नहीं है, कहीं जॉब पे है, या कुछ लोग नहीं करना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, आप अकेले भी कर सकती हैं। अच्छे से सुंदर से लाल चुंदरी, पीली हरी साड़ी पहनकर या सूट पहनकर, जो भी आप पहने, कलरफुल कपड़े पहन मंदिर में बैठ जाइए आराम से। सामने अपने पूजा की सारी सामग्री रख लीजिए, आपको ऐसे हाथ करके उठानी है और ऐसे ही भोले बाबा को अर्पित करनी है। आप जितना लेके गए हैं ध्यान रख कर करें कि आप 11 बार में वो सारी सामग्री अर्पित कर रहे हैं, 51 बार में कर रहे हैं, 21 बार में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जब खत्म हो गया छोड़ दिए। आप काउंट करते रहिए, या बगल में किसी को, घर परिवार वाले को बैठा लीजिए, जो कि ये चीज को गिनती करते रहे कि आपने कितना डाला, क्योंकि आपको तो डालना है। और साथ में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको अर्पित करना है। जो भी है आपका उसमें सब मिक्स हो जाएगा, मिक्स करके भांग, धतूर, जो भी आपने डाला है सबको मिक्स करके ही अर्पित करना है। जिस भी मनोकामना से आप ये महा उपाय कर रही हैं, भोले बाबा के समक्ष बैठकर आपको अपनी मनोकामना बतानी है, बाबा हम इस मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हैं, आप जरूर सिद्ध कीजिएगा, जरूर पूर्ण कीजिएगा। आप करके देखिएगा, आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इसका असर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि भगवान हमें दर्शन देकर करते हैं, नहीं, हमारे समक्ष, हम लोग के बीच, हम लोग के पास आकर हमसे ही करवाते हैं। जो भी हम अपनी जिंदगी में गलती कर रहे हैं, जिसके कारण तरक्की, उन्नति नहीं हो रहा है, हम गरीबी के रास्ते पे जा रहे हैं, उसको भगवान हमारे द्वारा ही दूर करवाते हैं। तो ये महा उपाय आप लोग किसी भी सावन के सोमवार को कीजिए या शिवरात्रि के दिन कीजिए। जिन बहनों का प्रश्न था, आई होप आप लोग समझ गई होंगी इस बात को। कोई भी मन में भेदभाव मत रखिए, अपने मन को शुद्ध स्वच्छ रखकर, भोले बाबा पर आस्था लगाकर आप ये महा उपाय कीजिए। इस वीडियो में आप लोग के लाइक जानकारी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आपके घर परिवार में, आपके दोस्तों में, रिलेशन में किसी को भी ये दुख तकलीफ हो जो महा उपाय करना चाहता हो, उसके साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही अच्छी अच्छी बातों के साथ, अच्छे महा उपाय के साथ फिर मिलेंगे। बाय बाय।